प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को उनके घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन की सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षित करने के लिए निकट भविष्य में विभिन्न स्थानों पर महापंचायत आयोजित की जाएंगी। इस कड़ी में पहली महापंचायत हॉल में महाराष्ट्र के नागपुर में संपन्न हुआ। बता दें कि इस महापंचायत में मौजूद उज्ज्वला योजना की महिला लाभार्थियों को विशेष गो द्वारा विशेष मार्गदर्शन भी दिया गया। उन्हें एलपीजी कनेक्शन सुरक्षा के विषय में जानकारी भी दी गई। यह जानकारी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक पी कुमार ने दी। तो वहीं इस उपकरण को लेकर ए पैसों की ओर से विशेष पहल भी की जा रही है। इस कार्यक्रम में पी कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में उज्ज्वल योजना की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की बेहद गरीबी और चूल्हे पर खाने पकाने वाले महिलाओं को धुएं से मुक्त करना है और उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित करना था। तो वहीं इस योजना के तहत देशभक्त में करोड़ों गैस कनेक्शन भी बांटे जा चुके हैं। एलपीजी कनेक्शन को संभालते समय विशेष सावधानी बरतनी जरूरी होती है ताकि किसी अनहोनी घटना से बचा जा सके। इस खतरे को भागते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उपभोक्ता संरक्षण और खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सोम प्रकाश ने इस संबंध में दिशा निर्देशक भी जारी किए। इन निर्देशकों के अधीन पी कुमार ने हॉल में ही इस अभियान की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत आने वाली समय में देश भर में तमाम स्थानों पर महापंचायत आयोजित की जाएगी और इसके लिए पैसों संस्था खुद पहल कर रही है। इस पंचायतों में विशेषज्ञ टीम को एलपीजी कनेक्शन के इस्तेमाल के संदर्भ में महिलाओं को मार्गदर्शन भी करेंगे। इस पहल के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित महापंचायत में 250 गृहिणियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा इस अवसर पर महिलाओं के लिए पशुतरी भी आयोजित की गई। पशुतरी जीतने वाली महिलाओं को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि पी कुमार हमेशा जनहित के संदर्भ में नई योजनाओं को लागू करते रहते हैं। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान भी काफी अहम भूमिका निभाई थी। खासकर महामारी की दूसरी लहर में पी कुमार लोगों की मदद करके सबसे आगे थे और उन्होंने कार्योजेनिक्स की स्थापना की। इस दौरान उन्हें अस्पताल में भंडारण टैंकों और कार्योजेनिक भंडारण टैंक निर्माताओं को आवेदन जमा करने की तारीख में 48 घंटे के भीतर सभी अनुमोदन और लाइसेंस प्रदान करके कार्योजेनिक भंडारण टैंकों के निर्माण के बढ़ाने की मदद की। इस बेहतरीन काम के लिए उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सम्मानित किया है। अब उन्हीं के मार्गदर्शन महापंचायतों की यह मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें पैसों में भी अहम भूमिका अदा करेगी। आइए देखते हैं खास कवरेज।